तो जा रहा है यार, सब ओके रिपोर्ट है। जो करना है careful। ये कितना तेज हो रहा है, ये सामने से क्या हो गया। पूरा मामला ये है कि सन 2018 में चुनावी जनसभा थी बेंगलोर में। माननीय राहुल गांधी जी ने गृहमंत्री अमित शाह जी पर अभद्र टिप्पणी किया था। उसी अभद्र टिप्पणी से जुड़ा हुआ मामला ये है, और उस अभद्र टिप्पणी से क्षुब्ध होकर के हमारे यहां वो तत्कालीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विजय मिश्रा जी हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर कम्प्लेंट केस फाइल किया था। और उसमें 200 का बयान हुआ, 202 का गवाहों का बयान हुआ, और गवाहों के बयान होने के बाद हमने उस पर बहस किया था। ऑनरेबल कोर्ट ने उनके खिलाफ प्राइमा फेसाई एविडेंस पाते हुए उनकी समनिंग किया था। 27/11/2023 को माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ सम्मन जारी करते हुए उनको विचारण हेतु आहूत किया था। हाँ, उसी मामले में कई पेशी वो उपस्थित नहीं आए। पिछली पेशी पर उनके अधिवक्ता द्वारा थ्रू काउंसिल ओपीआर हो करके टाइम लिए थे कि राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, लिहाजा ऑनरेबल कोर्ट में उपस्थित नहीं आ पा रहे हैं। कल ही उन्होंने सरेंडर एप्लीकेशन और बेल एप्लीकेशन दोनों माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, और साथ में एडजमेंट एप्लीकेशन दिया था कि आज उपस्थित नहीं आ पा रहे हैं, कल अर्थात आज के लिए उन्होंने टाइम लिया कि आज वो माननीय न्यायालय में उपस्थित आएंगे। और पूरी संभावना है कि आज माननीय न्यायालय के समक्ष हो स्वयं को आत्मसमर्पण करेंगे और जमानत अर्जी पर बहस होगी। ये है कि उस समय जिस समय की घटना है, उस समय वर्तमान के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनके ऊपर श्री राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो बंगलौर में एक प्रेस वार्ता के दौरान उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की, यहां तक कि उन्होंने हत्यारा शब्द कह करके संबोधित किया। इस बात को लेकर के जब मैंने इसको देखा और सुना, कई कार्यकर्ता हमारे पास आए और उन्होंने इस बात को लेकर के हमसे सवाल किया कि आप ऐसी पार्टी के नेता हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्यारे हैं। मैं इस बात को लेकर काफी दुखी हुआ, काफी क्षुब्ध हुआ, और फिर इसके बाद कई कार्यकर्ताओं से संपर्क करके, बातचीत करके, अपने अधिवक्ता से राय मशविरा करके एक परिवाद दाखिल किया कि मैं जिस पार्टी में हूं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्यारा है, यह कदापि संभव नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी देश नहीं विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, और ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हत्यारा कहना यह ठीक नहीं। इसको लेकर के हमने अपने अधिवक्ता से बातचीत करके, राय मशविरा करके एक परिवाद दाखिल किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।